आज ना मुझे एडिटिंग करते करते आठ बज गए थे रात के और जो है फटाफट से मुझे नौ बजे तक जो है खाना तैयार करना था क्योंकि क्या होता है ना बच्चे शाम को ट्यूशन जाते हैं ट्यूशन के बाद जो है नानी के घर जाते हैं और नौ बजे तक घर आ जाते हैं तो मैंने सोचा कि यार फटाफट से जो है मैं डिनर तैयार कर लेती हूँ और आज ना मैंने डिसाइड किया था कि मैं ना हलवा बनाऊंगी और हलवे के साथ साथ जो है मैं आलू बीन्स की सब्जी और रोटी बनाऊंगी तो ये तीन चीज़ें हैं और आजकल जो है बच्चों को भी आदत हो गई है रोटी सब्जी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा खाने की तो फटाफट से मैंने जो है हलवा बनाया और हलवे की जो रेसिपी है ना वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में शेयर की है तो आप लोग देख लेना और बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बना था तो आज मैंने ना हलवे में ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं तो इसलिए मैंने पहले ना हलवाई बना दिया और जो है उसके बाद रोटी और सब्ज़ी बनाऊंगी तो जैसे कि मैंने बताया कि हलवे की रेसिपी मैंने देखी थी और आजकल ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ नई नई रेसिपीज़ देखती रहूँ और जो है उनको ट्राई करती रहूँ क्योंकि मुझे खाना बनाने का उतना ज़्यादा वो नहीं है तो मैंने सोचा कि सीख भी जाऊँगी इन रेसिपीज़ को देख देख के और इसमें ना मैंने एक सीक्रेट चीज़ ऐड की है जो कि है बेसन और अगर आप हलवे में बेसन मिलाओगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपका हलवा है ना वो बनेगा तो जो है हलवा हमारा यहाँ पर बन रहा है और साथ ही साथ में जो है मैंने सब्जी भी कट कर ली थी सब्जी मैंने अंदर रूम में कट की थी क्योंकि किचन में तो यार बहुत पसीना हो रहा है बहुत पसीना मुश्किल से चार जनों का खाना ही बनाना इतना मुश्किल हो जाता है और हमारे किचन में बहुत ज्यादा गर्मी है ऊपर वाले फ्लोर में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है जबकि नीचे तो थोड़ा ठंडा है नीचे के रूम्स हमारे ठंडे है लेकिन ऊपर जो है क्या बताओ भयंकर गर्मी है और लो जी यहाँ पर हलवे में पानी भी मैंने डाल दिया है बस अब इसको थोड़ा सा रख देते हैं और ढकने के बाद ये देख सकते हैं थोड़ी देर में में बस मिनट लगे थे इस हलवे को बनने में। और हलवा भी हमारा पूरी तरीके से रेडी है और आज ना मेरे बच्चे खूब खाएंगे क्योंकि उनको ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं इसलिए मैंने आज डाला ही नहीं परसों जब खीर बनाई थी तो ना खीर में उन्होंने बहुत नखरे करे थे खाने के लिए तो बस अब हलवा बनकर रेडी है और इसको रख देते अब सारे तो यहाँ पर मैंने ना बीन्स और आलू काट दिए हैं। बस अब इनको एक बार फिर से धुल देती हूँ और ये जो सब्जियों के छिलके वगैरह है ना इनको जो है साइड में रख दिया है तो एक बार और धुल देते हैं और आलू और बीन्स की जो सब्जी है ना वो मैं आज जो है शॉर्टकट तरीके से बनाऊंगी वैसे मेरे साथ होता क्या है कि जब मैं ना शॉर्टकट तरीके से बनाती हूँ तो बहुत अच्छा बनता है और जब पूरा ढंग से बनाती हूँ तो तब अच्छा नहीं बनता है तो बस टाइम कम था और ऐसा तो कुछ था नहीं कि घर पर कोई आ रखा है गेस्ट है जो मतलब बढ़िया ढंग से बनना चाहिए तो चल जाता है इस तरीके से और मेरे पास काम का वर्क का लोड इतना होता है ना कि मैं बस ज़्यादातर ऐसे चलती हूँ शॉर्टकट वाली उसमें तो बस तेल डाला मैंने कढ़ाई में और जो है आज मैं ना इसमें जीरा डालूंगी बस हम ज्यादातर खाने वगैरह में जखिया यूज करते हैं और जितने भी लोग गढ़वाली है ना जखिया बहुत पसंद करते हैं किसी दिन मैं आपको बताऊँगी कि जखिया होता क्या है तो प्याज काटा है मैंने प्याज थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटा है बहुत पतला मुझे नहीं करना था और आज ना मैं इसकी ऐसी सब्जी बनाऊँगी जिससे शादी वगैरह में बनती है ना कुछ इस तरीके से तो बीन्स की सब्ज़ी मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती है और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं जब मैं इस इस तरीके से बनाती हूँ बस थोड़ा सा जीरा डाला मैंने क्योंकि जीरा तो पसंद है नहीं बच्चों को और जो है जीरे को हल्का सा ब्राउन होने दिया और प्याज और टमाटर एक साथ डाल दिया और सब्जी भी एक साथ डाल दी इसमें सारी तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें ना थोड़ा सा डालेंगे नमक और सिर्फ नमक ही नमक हम अभी इसमें डालेंगे और इस तरीके से इसको हिला देंगे बस अब हमें क्या करना है गैस का फ्लेम कम कर देना है और इसमें ढक्कन रख दक देना है आप ना पाँच से छः मिनट के बाद देखोगे तो ये जो नमक की वजह से जो है ये सब्जी ना पक जाएगी और जैसे ये सब्ज़ी आधी पक जाएगी तब तक मैंने कहा मैं, मैं वेजिटेबल की जो टोकरी है थोड़ा सा इसको क्लीन कर देती हूँ कई बार मिर्ची वगैरह हो जाती है ख़राब और जो साथ ही साथ में बर्तन हो रखे थे उनको भी जो है साथ ही साथ धुल देते वरना फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और मेरे को धोने में फिर इतना टाइम लग जाएगा बस हमारी सब्जी बनकर रेडी है और झटपट से जो है वैसे तो किचन में काम करने में मुश्किल से एक घंटे में पूरा खाना बन जाता है लेकिन गर्मी इतनी है कि क्या बताएं गर्मी हो तो प्रॉब्लम सर्दी हो तो प्रॉब्लम दोनों ही सीज़न में जो है परेशानी परेशानी होती है और स्पेशली औरतों के लिए तो गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो काम तो करना ही पड़ता है तो बस अब बर्तन वगैरह भी कर दे हैं, मैंने क्लियर और जो है साथ ही साथ में ये काम भी होते रहना चाहिए वरना जो फिर स्लैब पहना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है अब मैं सोच रही हूँ कि तब एक बार इस सब्जी को देख लेती हूँ ना कहीं जल ना जाए तो ये बढ़िया से पक रही थी बिना पानी के बनेगी ये सब्जी ना तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं वैसे तो यार बहुत सारे लोग हैं मतलब कि मेरे को तो क्या ही आता है खाना बनाना कुछ भी नहीं आता उस हिसाब से बस अब तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ और आज ना थोड़ा सा आटा बचा हुआ था तो इसलिए मैं बहुत कम ले रही हूँ आटा और जो है आटा गून लेती हूँ तब तक जब तक सब्जी बनती है ऐसे में जो है काम भी फटाफट हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा और गर्मी जब लग रही है तो बस एक ही साथ लग रही है तो मेरी आदत ऐसी नहीं है कि बार बार मैं पंखे में बैठती रहूँ और बार बार काम करती रहूँ मैं एक साथ जब आती हूँ ना किचन में तो एक ही साथ पूरा काम करके ही बाहर जाती हूँ क्योंकि ऐसे मुझसे नहीं होता है कि पहले अलग सब्जी काटो अलग आटा गूँधो अंदर रूम में जाके पंखे के नीचे बैठ के बहुत सारे लोग करते हैं ना तो मेरे बस की नहीं होता वैसे मैं एक साथ ही करती हूँ फिर और तब एक साथ ही बैठी रहती हूँ लगातार तो बस आटा भी मैंने थोड़ा सा रख दिया है थोड़ा सा ये सॉफ़्ट हो जाएगा तब तक तब तक जो है मैं सब्जी दे लेती हूँ तो अब पांच से सात मिनट हो गए हैं हमारी जो सब्जी है ना ये आलू मतलब एटी परसेंट पक गए हैं बीन्स भी पक गई है अब हम इसमें डालेंगे मसाले तो मेरे तो जो मसाले रहते हैं वो सिंपल ही रहते हैं हल्दी धनिया पाउडर और जो है लाल मिर्ची भी बहुत कम रहती है थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स मसाला डाला और इसको हिला दिया आप जो भी मसाले डालते हो वो डाल सकते हैं अपना हम इसमें क्या करेंगे हल्की सी एक बूंद के बराबर पानी डालेंगे वैसे तो पानी की जरूरत नहीं थी लेकिन मसाले जो है थोड़ा सा फिर पक जाते हैं तो अब यहाँ पर जो है सब्जी भी हमने रख दी है तब तक इस साइड का जो कॉर्नर

ट्रांसफ़र कर दी है क्योंकि वहाँ पर इसको गैस का फ्लेम कम ही चाहिए सब्ज़ी बनने के लिए अगर मैं बड़े में भी रखूँगी तो कम ही करना है मुझे और साथ ही साथ में मैं यहाँ पर रोटी बनाने लग जाती हूँ इससे क्या होगा कि मेरा जो काम है ना दोनों काम फिर एक फिर जो है थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे क्योंकि इतनी गर्मी में ना गर्म गर्म खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मेरी बेटी को तो ना पता नहीं क्यों जैसे सुबह की बनी हुई सब्जी शाम को ज़्यादा पसंद है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय